कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सभी ड्राइवर संगठन के लोगों को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बुलाया और उनके साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने ड्राइवर संगठन के लोगों से कहा कि आप अपना आंदोलन जारी रखें, लेकिन इस आंदोलन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। वहीं उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के अनैतिक नारे एवं जनहानि, मानहानि, धनहानि जैसे कार्य न करें, जिससे कानून आप हाथ में ले और आप पर कार्रवाई करना पड़े। साथ ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सभी ड्राइवर संगठन के लोगों से हाईवे जाम नहीं करने का निवेदन भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि शांत तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें, किसी प्रकार का कोई उपद्रव इसमें नहीं करें, जिसको लेकर ड्राइवर संगठन के लोगों ने भी कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की बात मानते हुए अपने आंदोलन की दिशा बदलने का निर्णय लिया है। वहीं ड्राइवर संगठन के सदस्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा कर कई निर्णय लिए हैं, जिसके तहत सभी ड्राइवर संगठन के सदस्य बस स्टैंड पर अपने आंदोलन की नई दिशा तय करेंगे, सभी का मत होगा। वहीं उन्होंने कहा कि शांत तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे, किसी प्रकार का कोई उपद्रव इसमें नहीं करें। वहीं ड्राइवर संगठन के सदस्य ने मीडिया से बात करते बताया कि उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा कर कई निर्णय लिए हैं, जिसके तहत सभी ड्राइवर संगठन के सदस्य बस स्टैंड पर अपने आंदोलन की नई दिशा तय करेंगे, सभी का मत होगा, वैसा ही आंदोलन अब किया जाएगा। फिलहाल कलेक्टर साहब से ड्राइवर संगठन की बात होने पर दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित की भावना के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन ड्राइवरों के इस आंदोलन के चलते आम जनता परेशान हो रही है। इस और कोई भी प्रशासनिक राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा है। ड्राइवरों की इस हड़ताल के चलते खाद्य सामग्री, सब्जी, पेट्रोल इत्यादि के भाव बढ़ गए हैं। वहीं लोगों को सामान समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, जिससे भी लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन किस तरह लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के सामान की पूर्ति करता है, ये देखना होगा। जो भारत सरकार द्वारा जो नया कानून लागू हुआ है, धारा 104(1)(2) के अंतर्गत जो 10 साल की सजा उसका प्रावधान जो किया गया है, उसके लिए सभी ड्राइवर भाइयों ने कल चक्का जाम किया था। वो चक्का जाम के पश्चात माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा आज मीटिंग रखी गई थी, सभी ड्राइवर भाई उपस्थित हुए। और सभी ड्राइवर भाइयों से मैं भी ये निवेदन करना चाहूँ, माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग आपका आंदोलन भले ही जारी रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, किसी भी असामाजिक कार्य को ना करें, शासन की व्यवस्था ना बिगड़े, डीजल पेट्रोल जो व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों को मिलती रहें, आप लोग अपना साइड से कहीं बैठ कर वो करें, हमें ज्ञापन दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम इस मीटिंग के बाद सभी लोग कम से अभी बैठ के डिसाइड करेंगे, माता जी की वो मीटिंग रखी है कि सभी लोग डिसाइड करेंगे भाई एक तरफ से बैठ के, और सभी ड्राइवर भाइयों की मांग है, इसलिए सभी का मामला है। माननीय जिलाधीश महोदय की बात का समर्थन करते हम और शांतिपूर्ण तरीके से क्या नाम है कार्य होगा। क्या कुछ समझाई दी गई आज हमने जो शाहजहाँपुर के विभिन्न वाहन चालकों, जिसमें बसेस के वाहन चालक थे, ट्रकर्स थे और छोटी गाड़ियों के भी थे, टैंकर्स के थे, उन सब के ड्राइवर्स को बुला के मीटिंग की थी, क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज हैं, इनके पास भी कोई ऐसी संस्थागत चीज़ नहीं थी कि कोई उनका एसोसिएशन हो। तो हमने जितने मैक्सिमम लोग आ सकते थे सबके साथ आज एक इंटरेक्शन किया, उनको शासन की जो मंशा है उनको बताया गया और उनके भी पक्ष को सुना, और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप कोई भी चीज़ अपने डेमोक्रेटिक तरीके से कहिए, कोई समस्या नहीं है, ज्ञापन दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप कोई वॉलेशन नहीं करेंगे, आपके बीच में हो सकता है कुछ शायद तत्व घुस चुके होंगे जो बार बार आपको उकसाएंगे कि आप बसों को तोड़ो, गाड़ियों को तोड़ो, नुकसान पहुँचाओ, नारेबाजी ढंग से करो कि प्रशासन पुलिस पुख्से, तो मैंने इनको सावधान रहने के लिए बोला है और ये भी बोला है कि प्रशासन वरिष्ठ स्तर पर कल जैसे चीफ सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी ने भी बैठक ली थी, उन सबको आपके बिंदु बताए गए थे और उनकी बात मैं नहीं। शाहजहाँपुर से दिलीप सुराष्ट्र की रिपोर्ट।